आज मेरे मित्र और मेरे दोस्त ने कुछ अलग डिश बनाई हुई है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, पर आलू के ऊपर कुछ पेस्ट सा लगाया हुआ है, ये मुझे इतना लग गया पता। छिल के आलू को फ्राई कर रहे हैं, और मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ कश्मीर में, हम भी इस तरीके से दम आलू बोलते हैं, पर हम फ्राई नहीं करते। अब पता नहीं क्या चीज़ बनेगा, तो जब ये पूरी बनेगा, जब हम खाएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल कुछ नहीं बोला। और क्या डालने वाले हैं आप इसके साथ? तो अभी फिलहाल इसको फ्राई होने दो। जैसे फ्राई, अभी प्याज भी रखे हुई, प्याज भी डालेंगे इसमें। प्याज डालेंगे, टमाटर पेस्ट है और अदरक लहसुन का घुमा रहे हैं। इनको कैसे, जैसे अच्छा देखिए कलर आने लग गया थोड़ा थोड़ा इसमें, तो ये हाँ कलर तो आने लग गया भाई। लग कैसा रहा है? देखो मस्त लग रहा है भाई, क्या टेस्टी लग रहा होगा भाई। खाएंगे तो जरूर है। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं नहीं ओए खाना पड़ेगा हमें। खाएंगे हम जरूर, छोड़ेंगे नहीं। जब तक खाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो गए फ्राई होके, अब प्लेट में निकाल दिया। अब चलते देखते और आगे आगे क्या होता है। मास्टर शेफ सोया चंक्स, सोया चंक्स, चंक्स फ्राई किया हुआ है इसको। हम और कर रहे कि हो चुका था डबल फ्राई? पहले से पकौड़े थोड़ा करते फिर बाद में सोया चंक्स। तभी मेरे को बोल रहा है आपके, मैं नहीं दूंगा आपको। चल कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। नॉनवेज खा रहा ना, गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। देखना भाई, नॉनवेज आपके साथ भी ऐसा होता है। तू नॉनवेज खाता ना मेरा ठीक है। दूसरी बार फ्राई किया हुआ है सोयाबीन को। हल्दी से पहले अभी ये नहीं चाहिए हल्दी। ग्रेवी तैयार होगी अब तो। ये है, ये क्या चीज़ है? सोयाबीन फ्राई करके, मतलब क्रंची सब कुछ, थोड़ा सा क्रंची होनी चाहिए बढ़िया उस तरीके से। बस जाएंगे इसमें फ्राइड। ये हो गया आलू। अब आलू तो कुछ रह गए, वो खा लिए हमने स्वाद स्वाद में सारे। बस देखिए जी, 10 मिनट इसको रखेंगे, 10 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप पानी अपने हिसाब से, तरी अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना फिर ख़राब हो जाएगा। कैसा है नमक? 3 साल का। तो ये आलू है, ऐसा लग रहा है जैसे अंडा है। चले राधा सोमी घर में बैठे हैं जी। चलिए बाय।